हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। रॉयल एनफील्ड की नई बाइक रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 लॉन्च होने वाली थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से लॉन्च होने में थोड़ी सी देरी हो गई। लेकिन इस बाइक को कई बार टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा भी गया है। लेकिन इस बाइक से जुड़ी कुछ डिटेल्स इसके लॉन्च के पहले आ गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, रॉयल एनफील्ड मीटियोर तीन वेरिएंट फायरबॉल, स्टेलर और सुपरनोवा में लॉन्च हो सकती है। इन तीनों वेरिएंट में क्या क्या अंतर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बेस मॉडल यानी कि फायरबॉल वेरिएंट में ट्रिपल नेविगेशन यानी कि बाइक में नेविगेशन दिया जाएगा, जो कि इसके डिजिटल मीटर में आपको देखने को मिलेगा। इस वेरिएंट में ब्लैक कंपोनेंट देखने को मिलेगा। इसमें सिंगल कलर की टैंक दी जाएगी, ब्लैक कलर की इंजन फिनिश देखने को मिल सकती है और इसमें कलर्ड व्हील रिम भी दिया जा सकता है। तो इसके स्टेलर वेरिएंट में ज्यादातर पार्ट क्रोम का दिया जा सकता है। इसके अलावा ट्रिपल नेविगेशन भी मिलेगा, बॉडी कलर का कंपोनेंट देखने को मिलेगा, प्रीमियम बैजेस दिए जाएंगे, क्रोम एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होगा, क्रोम हैंडल बार भी दिया जाएगा और बैकरेस्ट भी इसमें लगा होगा। तो इसके टॉप मॉडल यानी कि सुपरनोवा वेरिएंट में, जो कि सबसे महंगी वेरिएंट होगी, इसमें आपको ट्रिपल नेविगेशन तो मिलेगा ही, डुअल टोन पेंट स्कीम देखने को मिलेगा, मशीन व्हील देखने को मिलेगा, प्रीमियम सीट फिनिश देखने को मिलेगी, फ्रंट में विंड स्क्रीन भी लगा होगा और इसमें क्रोम इंडिकेटर्स भी दिए जाएंगे। तो इस बाइक के तीनों वेरिएंट को मिलाकर टोटल 7 कलर ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। जो कि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 को एक नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें बेहतर एयर कूल्ड इंजन के साथ कई नए फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। इस मोटरसाइकिल में TFT डिस्प्ले भी दिया जा सकता है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल सकती है। इस मोटरसाइकिल में राउंड शेप का हेडलैम्प और राउंड शेप का इंडिकेटर लाइट भी दिया गया है। ये मोटरसाइकिल थंडरबर्ड 350X की जगह ले सकती है। तो वहीं इस बाइक को अगले महीने यानी कि सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है। प्राइस की बात किया जाए तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस 1.65 लाख रुपीस से शुरू हो सकती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना इस मोटरसाइकिल की प्राइस कितनी होनी चाहिए और ये मोटरसाइकिल आपको देखने में कैसी लगी। बाकी इस मोटरसाइकिल के डिटेल वीडियो इसके लॉन्चिंग के बाद ही आपको मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इस बाइक से रिलेटेड बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।